गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हमने शुरुआत में ही चश्मे लगा लिए हैं कि कहीं गर्दन आँख में पड़ जाए गाड़ी चलाते समय। खैर, आज हम एक छोटा सा विजिट कर रहे हैं भिनगा का। भिनगा बाज़ार तक आज हम जाएंगे और हमने एक नया टोपी लिया था जिसका आज हमने उद्घाटन कर दिया है इस भिनगा वाले ब्लॉग में, और एक नया टी शर्ट भी लिया था ये, जिसका भी आज उद्घाटन हो गया। और इसके नीचे अभी देख सकते हो आप, एक ब्लैक टी शर्ट हमने पहन रखा है उसके ऊपर से ये, और ऊपर से एक जैकेट, इतना कपड़े पहने हैं तब जा रहे हैं भिनगा भाई कि कहीं ठंडी ना लग जाए। अभी आप देख सकते हो मौसम कितना ख़राब है, बहुत ज़्यादा कोहरा छाया हुआ है। और हमने दो पैंट भी जींस के लिए थे, जिसको हमने ऑलरेडी एक पैंट देख सकते हो अभी आप, ये हमने पहन लिया है और दूसरा भी घर पर रखा है, जब किसी दिन पहनेंगे फिर उसको भी दिखाएँगे। अभी हम आ चुके हैं राप्ती नदी के ब्रिज पर, और यहाँ पर हमने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें भी बहुत अच्छे आए थे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा अभी तक तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग लोग था। इससे पहले जो सीन पड़ता है उसको मैंने इस वीडियो में ज़्यादा सीन नहीं दिखाया, क्योंकि उस वीडियो में हमने काफ़ी सीन उस वीडियो में दिखा चुके थे, इसीलिए इस सीन को हमने लैप्स कर दिया। अब यहाँ से भिनगा तक का सीन हम बहुत ही अच्छे से आपको दिखाएँगे। बाकी भिनगा का सफ़र कुछ खास लंबा नहीं है, सुनने में लगता है कि भिनगा बहुत लंबा सफ़र हो जाएगा। खैर, हिकौना से भिनगा की दूरी करीब 20 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, और हमारे घर से उधर साइड से आने पर सबसे पहले हिकौना आना पड़ेगा और हिकौना से फिर भिनगा आना पड़ेगा, ऐसा कुछ रास्ता है। और अभी इधर का सीन देखो, राप्ती नदी का सीन देखो, कितना पानी भरा हुआ है, क्या मस्त सीन दिख रहा है, देखने में बहुत ही मज़ा आता है। बाकी अब चलते हैं भिनगा। और इधर साइड में ये अभी आप देख सकते हो, राप्ती से थोड़ा सा आगे आने पर ये देखो, छोटा सा नदी टाइप का इधर भी गया हुआ है, और यहाँ पर गेहूँ की खेती देख सकते हो कितना मस्त लगा हुआ है। वहाँ पर एक भाई दवाई भी छिड़क रहे हैं गेहूँ के खेत में, ये आप देख सकते हैं, तो दवा का छिड़काव करा रहे हैं। बाकी इधर का सीन देखने में बहुत ही मस्त दिखता है, गेहूँ खूब हरा हरा लगा हुआ है। और भिनगा का हमारा ये फर्स्ट विजिट है आज का, और वैसे तो हम कई बार भिनगा जा चुके हैं, भिनगा मार्केट में भी जा चुके हैं, करीब 3-4 मरतबा जा चुके हैं, मगर जब से हमने वीडियो की शुरुआत की तब से आज जो ये हम विजिट कर रहे हैं ये हमारा फर्स्ट विजिट है भिनगा का। और श्रावस्ती ज़िले का भिनगा बहुत ही मुख्य जगह है, जो कि आज आपको हमें दिखाना है। और पीछे भी आप देख सकते हो मंदिर, बहुत ही अच्छा लग रहा है सीन इधर का। और ये है राहुल स्मारक पब्लिक इंटर कॉलेज, जैसा कि आप देख सकते हो क्या मस्त कॉलेज बना हुआ है इधर साइड में, ये देखो पूरा का पूरा कॉलेज। और अभी हम पहुंच चुके हैं चमरी चौराहे पर, और आप यहां पर देख सकते हो एक मंदिर पड़ता है इस चौराहे के एकदम बीच में। बाकी ये पूरा चमरी चौराहा है, और यहाँ से भिनगा की दूरी करीब 8 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, और ये वाली रोड जो है इधर बगल साइड से गई है, ये रोड भिनगा को सीधे जाती है, रास्ते में बीच में पड़ जाता है, और देखने में कुछ इस तरह से है। से थोड़ा सा आगे निकलने के बाद में इधर साइड में आप देख सकते हो थोड़ा सा घर वर बना हुआ है,
बाकी ये वाले जो पेड़ लगे हैं सड़क के दोनों बगल, ये आपको खूब देखने को मिलेंगे। ये वाले काफ़ी मोटे मोटे हो गए हैं, हम जब पहले आए थे बहुत ही पतले पेड़ थे, मगर अब देखो कितने मोटे हो गए हैं। और अभी इधर साइड में आप देख सकते हो कि ये छोटा सा एक ब्रिज है और ये छोटा सा एक नदी है। ये देखो ये नदी टाइप का है, ये देखो सरयू नहर जिस तरह से होता है सेम उसी प्रकार से है ये भी, यहाँ पर आप देख सकते हो ये। खैर आज हम कपड़े खूब दबाकर पहने हुए हैं, शरीर में बिल्कुल से एकदम ठंडी नहीं लग रही है, पर हाथ में अभी बहुत ज़्यादा ठंडी लग चुकी है, ये हाथ काम ही नहीं कर रहे, इतने ज़्यादा ठंडी लग गई। आज ठंडी भी बहुत थी ना, और सीन देखो अभी थोड़ा सा भी धूप निकलने का नाम भी नहीं ले रहा है। अरे वाह भाई, भगवान ने तो मेरा सुन लिया, अभी धूप का नाम लिया और थोड़ा थोड़ा भी धूप निकलना शुरू हो गया है। और खैर ये है भिंगा का जेल जो कि इस तरह से बना हुआ है, आप देख सकते हो ये ऊंचा वाला दीवार इधर साइड में दिख रहा है, और इधर से आप देख सकते हो कि जेल का दीवार कुछ इस तरह से दिखता है, ये देखो। और इधर साइड मेन गेट पड़ता है, इधर साइड में शायद मेन गेट पड़ता है, बाकी ये पूरा यहाँ से दिख रहा है पूरा का पूरा जेल, ये देखो। और लगता है कि अभी हम भिंगा के एकदम किनारे आ चुके हैं, और ये जो जेल है ये थोड़ा सा पहले ही पड़ जाता है, भिंगा मार्केट जो पड़ता है उससे थोड़ा सा पहले ही पड़ जाता है, और यहाँ से भी दिख रहा है जेल। ये जेल के बिल्कुल जस्ट बगल में देख सकते हो आप गांव पड़ता है। और भिंगा मार्केट में पहुंचने से पहले इधर साइड में आप देख सकते हो कि पावर हाउस मिलेगा, ये है पावर हाउस। हाँ, यहाँ पर देख सकते हो सीन यहाँ का भी बहुत ही मस्त है। उधर साइड में ये आप देख सकते हो खजूर के जो पेड़ लगे हैं, ये बहुत ही मस्त दिख रहे हैं ये। बाकी सीन भी इधर का बहुत ही लाजवाब सीन है, मस्त सीन है। यहाँ का सड़क भी बहुत ही मस्त है, आने में कोई दिक्कत बिल्कुल से नहीं हुई हमको। और पावर हाउस का मेन गेट आप देख सकते हो कि इस तरह से दिखता है देखने में, यह है भिंगा के पावर हाउस का मेन गेट, और उसके बगल में एक मंदिर पड़ेगा ये जो कि इस तरह से है, और उसके बाद में बस थोड़ा सा आगे जाने पर भिंगा मार्केट। खैर पावर हाउस से थोड़ा सा आगे आने पर भिंगा में प्रवेश होता है, और अभी फाइनली हम आ चुके हैं भिंगा मार्केट में। यहाँ से भिंगा मार्केट का स्टार्टिंग होता है, यहाँ से आप देख सकते हो। बाकी इधर साइड में बगल आप देख सकते हो ये कौन सा ऑफिस है, कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, इधर साइड में ऑफिस बना हुआ है जो कि देखने में इस तरह से है। बाकी अब हम आपको मार्केट दिखाते हैं भिंगा का मेन मार्केट, और ये है भिंगा का मेन मार्केट जो कि यहाँ से स्टार्ट होता है, ये देखो देखने में कुछ इस तरह से है। और इधर बगल साइड में पड़ेगा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो कि इस तरह से है, यहाँ पर देखो आप कितना भीड़ लगा हुआ है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में। ये पूरा का पूरा हॉस्पिटल ही है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। और अभी आप देख सकते हो कि मार्केट में थोड़ा सा हम अंदर आ चुके हैं, और इधर साइड में एक गली गई हुई है, इसमें भी छोटा सा मार्केट है थोड़ा थोड़ा, बाकी इधर तो ये पूरा का पूरा मार्केट ही है, और इधर भी एक गली गई हुई है जो कि इस पर भी थोड़ा सा मार्केट है जो देखने में इस तरह से है। बाकी और मार्केट का सीन भी आपको दिखाते हैं, और अब थोड़ा सा अंदर और आ चुके हैं, और यहाँ पर ये देख सकते हो आप यहाँ पर पड़ता है बी बाज़ार। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि बीच में एक अच्छा सा बहुत ही बेहतरीन रोड बना हुआ है, और अगल बगल लाइन से एक तरफ से पूरी की पूरी दुकान यहाँ पर भिंगा में है, और जैसा कि देख सकते हो आप कितना मस्त मार्केट दिखता है यहाँ का, बहुत ही अच्छा मार्केट है भिंगा और काफ़ी बड़ा है। और
अभी आप देख सकते हो ये भिंगा का बहुत ही मुख्य जगह है और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत एक मस्जिद है जो कि आप गेट देख सकते हो कितना खूबसूरत बनाया गया है इसका गेट। तो ये जगह बहुत ही फेमस जगह है, यहाँ का मेन चौराहा भिंगा का। इधर से भी सीन आप देख सकते हो, ये है मस्जिद और मार्केट भी आप देख सकते हो कितना लाजवाब मार्केट है, देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। और ये है पूरा चौराहा जो कि आप देख सकते हो इस समय। फिर आप देख सकते हो भिंगा का बहुत ही एक और मुख्य जगह जो कि ये है भिंगा का तहसील और ये है मेन गेट तहसील का। ये आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा है तहसील भिंगा जनपद श्रावस्ती। बाकी सीन इधर का बहुत ही मस्त है देखने में, ये देखो सीन किस तरह से। और उसके बाद में आप इधर देख सकते हो बाबा अमरनाथ पाली क्लिनिक इधर साइड में बना हुआ है और देखने में कितना मस्त लग रहा है। बाकी इधर भी काफ़ी मस्त सीन है, होटल आदित्य इधर पड़ता है और उसके जस्ट सामने आप देख सकते हो माता जी का एक मंदिर भी है इधर साइड में। तो सीन ये है भिंगा का सीन। और फिर पाली क्लिनिक के एकदम जस्ट बगल में आप देख सकते हो इंडियन बैंक, यानी कि पहले इलाहाबाद बैंक था मगर इसका नाम बदलकर अब इंडियन बैंक हो गया है। ये भिंगा का इलाहाबाद बैंक है यानी कि इंडियन बैंक है। और यहाँ का सीन देख सकते हो आप किस तरह से है। बाकी अभी आप देख सकते हो इधर साइड में जानकी चित्र मंदिर है जो कि देखने में कुछ इस तरह से बना हुआ है, सिनेमा हॉल है। उसके बगल में आपको प्राइवेट बस अड्डा मिलेगा जो कि यहाँ पर बस वगैरह खड़ा मिल जाएगा, आप यहाँ से सफ़र कर सकते हो। इसके बाद में बगल साइड में केनरा बैंक इधर साइड में मिलेगा। बस सीन सिंपल सा है यहाँ का। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही सीन था। और भिंगा में बहुत से सीन हैं, अच्छे अच्छे सीन हैं, उस सीन को छोड़ते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। फिर कभी आएंगे तो बनाएंगे वीडियो। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही सीन था। इस वीडियो को अब यहीं पर एंड करते हैं। आज का जो सफ़र था हमारा भिंगा मार्केट तक का ही था और मेन हमारा मुख्य उद्देश्य था कि आपको भिंगा मार्केट दिखाऊं। उसके बाद में मार्केट वीडियो को एंड करते हैं, तो अब वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और जिन भाई ने अभी तक चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा भेजा हुआ वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो वीडियो को लाइक करें और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब